यहाँ पे मैंने लिया है नमक, धनिया, गरम मस यहाँ पे मैंने लिया है नमक, धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, अमचूर और काला नमक, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं घी। अब मैंने आटे में आलू भी डाल लिए हैं और इनको आटे के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक डो बनाकर तैयार कर लूँगी। कभी अगर मन करे कि आलू के परांठे कुछ अलग तरीके से बनाने हैं, कुछ अलग सा खाने का मन हो कि आज अलग टेस्ट चाहिए, तो इस हिसाब से मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज मेरा भी ऐसे ही मन था कि मैं थोड़े अलग से आलू के परांठे बनाऊं, तो इस तरह से बना लिए हैं। और पहले भी मैंने एक दिन बनाए थे, आपके साथ में शेयर भी करे थे, जिसमें आटा नहीं गूंदना था और ऐसे ही बना लेना था घोल के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एक नॉर्मल परांठे जैसे बनते ही हैं आलू भर के, एक तो वो भी बनते ही हैं, वो तो सबको ही पता है। ये जो क्लिप थी ये थी पहले दिन की, क्योंकि नेक्स्ट डे को तो वो व्रत था, तो ये पहले दिन की मैंने शूट करी थी। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इस वजह से मैं छोटा सा व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बातें हो जाएं, तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट किया है और छोटा सा वीडियो ही डाल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये परांठे बन के तैयार हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं तैयार हो रखी हूँ और अभी मैंने बाल नहीं बनाए हैं। रेड कलर की साड़ी डाली है यहाँ पे, और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑनलाइन मंगवाई थी, शेयर भी किया था मैंने इस साड़ी को, और पिछले साल मैंने रक्षाबंधन पे भी ये साड़ी डाली थी। आसानी से लग भी जाती है, और आजकल जैसे कि नवरात्रे हैं, तो नवरात्रे में ना रेड कलर, मरून कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये डाल ली है। और अब मैं जा रही हूँ कीर्तन में, क्योंकि घर के बाहर लगा हुआ है शादी का टेंट और कीर्तन है, अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा रेडी शेडी हो गई हूँ। तो दिखा देती हूँ अभी आपको। थोड़ा सा आपको मैंने दिखा दिया है कि बाहर टेंट लगा हुआ है, तो चलिए फिर फटाफट से मैं बाल भी बना लेती हूँ और फिर चलती हूँ कीर्तन में।
मुझे पैर क्यों दे रहा है यार सियादी।